नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं बारिश पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में, जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। बारिश पठान का भड़काऊ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 15 करोड़ मुस्लिम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। बारिश पठान ने कहा है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है, मगर हमको इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा, आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन लिया जाता है। दोस्तों हम जानना चाहते हैं कि बारिश पठान को कौन सी आजादी चाहिए। देश में सबको बराबर का हक मिला है, सबको बराबर के अधिकार मिले हैं, सबको आजादी मिली है, लेकिन इन्हें कौन सी स्पेशल आजादी चाहिए जो वे मांग कर रहे हैं। साल 1947 में देश आजाद हुआ था, तब से सबको आजादी मिली हुई है और जिनको स्पेशल आजादी चाहिए थी वो पाकिस्तान चले गए, और अब इनको कौन सी आजादी चाहिए जो इनको अभी तक नहीं मिली। आगे उन्होंने कहा है कि हमको कहा जा रहा है कि हमने अपनी माँ और बहनों को आगे भेज दिया है। हम कहते हैं कि अभी सिर्फ सैनियां बाहर निकली हैं तो आपके पसीने छूट गए हैं, अगर हम सब साथ आ गए तो सोच लो क्या होगा। यानी ये बारिश पठान दंगा करवाना चाहता है, और जब तक दंगा नहीं होगा तब तक ये चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि ये अपने बयान में सीधे तौर पर कह रहा है कि हम 15 करोड़ मुस्लिम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम CA के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग से निकली चिंगारी पर विरोध की राजनीति तेज हो गई है। CA के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर AIMIM के नेता बारिश पठान ने बेहद विवादित बयान दिया है। ना सिर्फ बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी ऐसे बयान दे चुके हैं। कुछ वर्ष पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखते हैं। दोस्तों तो AIMIM के नेता हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं और दंगा करवाना चाहते हैं। इनके बयानों को सुने तो यही लगता है कि ये दंगा करवाना चाहते हैं, जैसा कि बारिश पठान ने कहा है। पूर्व विधायक बारिश पठान ने जहर उगलते हुए कहा कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है, मगर हमको इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा, आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि लोकतंत्र में कोई भी चीज छीनी नहीं जा सकती। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप नारे लगाते हैं, आप सड़क पर बैठ जाते हैं, मगर आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि जितना हक इस देश पर आपका है उतना सबका है। जिस सड़क पर आप नारे लगाते हैं, बैठ जाते हैं, जाम करते हैं, उस सड़क पर सबका अधिकार है, ना सिर्फ आपका। आगे उन्होंने कहा है कि हमको कहा जा रहा है कि हमने अपनी माँ और बहनों को आगे भेज दिया है। हम कहते हैं कि अभी सिर्फ सैनियां बाहर निकली हैं तो आपके पसीने छूट गए हैं, अगर हम सब साथ आ गए तो सोच लो क्या होगा, हम 15 करोड़ ही 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, यह बात याद रख लेना। दोस्तों ये बात उनको याद रखना चाहिए, ना कि हम सबको, क्योंकि AIM के नेता हमेशा से भड़काऊ बयान देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी भी कई बार भड़काऊ बयान दे चुके हैं, तो बारिश पठान को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए और इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक खुलेआम धमकी दे रहा है और दंगा भड़काना चाहता है, और जब तक दंगा नहीं भड़केगा तब तक ये चैन से नहीं बैठेगा। और किसकी शाखा से आया था, जरा जवाब दे दो मुझे। इनके पास अगर अल्फाज है तो हमारे पास भी वो जुबान है जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते। हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा, आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला मां बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट पर बैठ गए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, याद रख लेना। दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM के नेता हमेशा से भड़काऊ बयान देते आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी कई बार भड़काऊ बयान दे चुके हैं। एक बार तो उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे जहरीले बयानों से बचना चाहिए और जनता, खासतौर से जनता को ऐसे बयान नहीं सुनना चाहिए, ना ही ऐसे नेताओं की सभाओं में और रैलियों में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से भड़काऊ बयान देते आ रहे हैं और इनके बयानों को सुनकर लगता है कि ये दंगा करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो बारिश पठान ने कहा है उससे साफ नजर आ रहा है कि जब तक दंगा नहीं होगा तब तक इन लोगों को चैन नहीं पड़ेगा।
हाल में ही असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक और विवादित बयान दिया था। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने इस मुल्क पर 800 साल तक राज किया है, यह मुल्क हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। दोस्तों, हम भी यही कहते हैं कि ये देश हमारा है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिले हुए हैं और बराबर अधिकार है इस देश पर। लेकिन दोस्तों, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग और आजादी गैंग से दूर रहें, क्योंकि ये कभी नहीं कहेंगे कि आप साथ मिलकर रहें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहें और इस देश की तरक्की में हाथ बटाएं। ये हमेशा भड़काऊ बयान देते आए हैं और देते रहेंगे और कहेंगे कि सीए के खिलाफ सड़क पर बैठो, और भी कानून आएंगे जो देश के हित में होंगे, तब भी ये यही कहेंगे कि सड़क पर बैठ जाओ, रोड जाम कर दो। इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग और ऐसे भड़काऊ नेताओं के बयानों में ना आए। और हम यही कहना चाहते हैं कि जितना अधिकार इस देश पर हिंदुओं का है, उतना ही अधिकार मुसलमानों का है, सभी धर्म के लोगों का है। इसलिए ऐसे लोगों के बयानों में ना आए, क्योंकि ये आपको आजादी, कौन सी आजादी दिलाएंगे। साल 1947 में सबको आजादी मिल गई थी और सबको समान अधिकार है इस देश में, इसलिए ये आपको कोई आजादी नहीं दिलाने वाले। और जिनको आजादी चाहिए थी वो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि जिन्ना को स्पेशल आजादी चाहिए थी इस देश में, इसलिए उसने एक अलग देश बना लिया, उसका नाम है पाकिस्तान, जहां भूखे नंगे लोग रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।